जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। पीड़िता कोमलबाई पति गोकुल सेन गर्भवती होकर मंगलवार को अस्पताल में टीका लगवाने के लिए गई थी, जहां अस्पताल में NM रेखा गुप्ता ने गर्भवती महिला को लापरवाही से टीका लगा दिया। इसके बाद पीड़िता महिला के हाथ में इन्फेक्शन हुआ और पूरा हाथ खराब होने लगा। इसके चलते पीड़िता दोबारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देपालपुर में इलाज के लिए गई तो डॉक्टर सतीश पवार द्वारा बोला गया कि आप प्राइवेट महावीर हॉस्पिटल में ले जाएं। यह कमीशन का धंधा कई दिनों से उक्त डॉक्टर द्वारा चलाया जा रहा था, क्योंकि उक्त डॉक्टर की धर्मपत्नी डॉक्टर वंदना उक्त प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत है। इस पर पीड़ित द्वारा और नगर के नागरिकों द्वारा डॉक्टर पंचोली को लिखित आवेदन कर उक्त डॉक्टर को हटाने और लापरवाही की जांच के लिए सार्वजनिक आवेदन दिया गया और दोषी के ऊपर कार्यवाही के लिए मांग की गई और जल्द से जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, यह भी उनके द्वारा कहा गया। और ये हम तीनों जब सरकारी हॉस्पिटल में टीटनेस का टीका लगाने गए थे तो डॉक्टर रेखा मैडम ने टीका लापरवाही से लगाया। उनका टीका सही नहीं लगाने के कारण हाथ उसी टाइम मतलब तुरंत हाथों में दर्द और सूजन आने लग गया। जब हम दूसरे दिन वापस मैडम के पास गए तो मैडम ने बोला कि बर्फ सिकाई करो अच्छा हो जाएगा, और हम घर आ गए। फिर तीसरे दिन नाक में रात भर सूजन आ रहा था और हाथों में से पानी आ रहा था। फिर तीसरे दिन हम जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर सतीश पवार को दिखाया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर सतीश पवार ने कहा कि महावीर हॉस्पिटल में एक मैडम है, आप उनको दिखाइए, ये आपका इलाज करेंगे। और आपका हाथ खराब होने की मतलब नौबत आ गया, आपका हाथ खराब हो गया है और हाथ काटने की नौबत भी आ सकती है। इस तरह उन्होंने हमें कहा कि आप महावीर हॉस्पिटल में इनको दिखा दो, इनका इलाज हम अच्छे तरीके से होगा। और हमें अस्पताल से जाना। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।